देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव भी आगामी दिनों में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और नामांकन भी भरा जा चुका है। इसी कड़ी में अनूपपुर जिले के पंचायत में भी चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जिसको लेकर चुनावी गलियारों में जनपद के उम्मीदवार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। ज्ञात हो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को कम आंकना गलत साबित हो सकता है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपना जनपद सदस्य बनाने की जुगाड़ में लगी हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 7 से श्रीमती ममता अनुज सोनी ने निर्दलीय की ओर से जनपद सदस्य प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुकी हैं। ज्ञात हो कि श्रीमती ममता अनुज सोनी की अच्छी खासी पकड़ है और ये जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं, जिसके कारण ये सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी मानी जा रही हैं और इन्होंने अपना प्रचार प्रसार वार्डों में शुरू कर दिया है और इन्हें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। ज्ञात हो कि श्रीमती ममता अनुज सोनी जनता के लिए सदैव समर्पित रहने वाली निष्ठावान ईमानदार होने के नाते चुनाव जीतने में प्रबल संभावना बनी हुई है। खैर, आगे का फैसला तो वार्ड की जनता को ही करना है, लेकिन जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और जनता ऐसे ही प्रत्याशी को चुनना चाहती है जो उनके सुख दुख में खड़े रहे और उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं सुनील साहू, खबर 29 कोतमा से, आपके समक्ष जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 7 से श्रीमती ममता अनुज सोनी जी। आइए जानते हैं जनता के बीच कौन से मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में उतरी हैं। अभी मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में घूमी हूँ। जनता की कई समस्याएं हैं, किसी की आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं थी। इसलिए इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं चुनाव मुद्दे पर उतरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जनता मेरे को चुने। मैं निष्पक्ष रूप से जनता का सेवा करूँगी और तत्पर तैयार रहूँगी। और जैसे मैदान में हम रहते हैं तो कौन कौन सी प्रकार की समस्याओं सामने आती है जनता चुनाव में पर लेकर के आते हैं, जहाँ से लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कई बार प्रत्याशी होने के माध्यम से। कोई पटवारी वगैरह काम, सचिव जो आधे अधूरे काम करते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की विकलांग वाली समस्या हो गई और विधवा पेंशन, कई समस्याएं हैं। इन सब को लेकर मैं चुनाव मुद्दे पर उतरी हूँ। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इतना बोलता हूँ, इस बार जो मेरे वार्ड नंबर 7 जितने पत्ता का भाई बहने आशीर्वाद हम हमेशा आपके समस्याओं को निवारण करने के तत्पर हैं।